हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया जा सकता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस अपन देखने वाले हैं। प्रिपरेशन की अपन ने जो कंप्लीट रिएक्शंस देख चुके हैं, आज अपन स्टार्ट करेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या बनाया जा सकता है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक अभी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं अपन देख रहे हैं, उनमें आज सबसे पहली जो रिएक्शंस देखेंगे वो है हेल वेलार्ड जेलस की रिएक्शंस। ओके, हेल वेलार्ड जेलस की रिएक्शंस क्या होती है? अगर इस रिएक्शंस को रेड फॉस्फोरस या हेलाइड्स की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाई जाती है तो आपके हेलो एल्केनोइक एसिड्स प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आपके पास आर सी डबल ओएच है, इसकी रिएक्शंस करवाएं एक्स टू और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या होगा? ओके, अपने पास क्या होगा? इसके अंदर क्या है? एच प्रेजेंट है। एच जो प्रेजेंट है यहां और यहां हेलोजन प्रेजेंट है, वो हेलोजन क्या करेंगे? ये इस तरीके से निकलेगा, तो ये क्या होगा? इस तरीके से निकलेगा हमारे इनके एच प्लस के रूप में। जो ये तो एक्स के साथ और यहाँ जो एक्स है वो यहाँ इससे क्रिया कर लेगा, तो क्या होगा? यहाँ एक्स और ये सी डबल ओएच प्रेजेंट है ये अपना, और ये एच वापस से इसके क्या करवाए? एक्स टू और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए, तो क्या हो जाएगा? आर सी एक्स और एक्स प्लस सी डबल ओएच ये बनेगा। यानी कि आपके पास क्या बना? हेलो एल्केनोइक एसिड्स प्राप्त होते हैं जब एल्किन की रिएक्शन, सॉरी जब एल्केनोइक एसिड या अपन कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शंस रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन्स के साथ करवाई जाती है, तो आपके हेलो एल्केनोइक एसिड्स प्राप्त होते हैं। ओके, तो ये रिएक्शंस होने का नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं अपन। जैसे अगर यहाँ बीआर को इस तरीके से लिख सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो यही होगा। यानी कि यहाँ जो प्लस चार्ज आएगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये जो एच प्लस निकलेगा वो किस में? एच बी आर के रूप में बाहर निकलेगा, और ये जो बी आर प्लस के रूप में है वो यहाँ ब्रेक होगा। अब देखो, जब तक हेलोजन्स के केस के अंदर आपके पास कोई भी फोटोकेमिकली कंडीशंस ना आए, यानी कि आपके पास ना तो हीट का कोई सिंबल ना आए, या आपके पास ना कोई हीट का और ना कोई लाइट का, यानी कि रेडियस का कोई सिग्नल कोई भी इंडिकेट ना आए, तब तक अपने को उस रिएक्शंस को हेटरोलाइटिकली फ्यूजन करवाना है। अगर कुछ ऐसा आ जाता है आपके पास एच न्यू या आपके पास डेल्टा की पोजीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन में अपने को उसको होमोलाइटिकल फ्यूजन करवाना है। होमोलाइटिकल फ्यूजन का मतलब हो गया कि उसको रेडिकल्स में ब्रेक करवाना है, यानी कि अपने पास इस तरीके से अगर कोई फ्यूजन हो रहा है, यानी कि दोनों ब्रोमीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है? आपके पास होमोलाइटिकल फ्यूजन हो रहा है। अगर आपके पास कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो उसे क्या करवाना है? हेटरोलाइटिकल फ्यूजन ही करवाना है। तो ये फ्यूजन करवाना है, तो इसमें जब हेटरोलाइटिकल फ्यूजन करवाते हैं तो क्या होता है? एक प्लस में स्पीसीज ब्रेक होती है, एक माइनस में ब्रेक होती है, जबकि होमोलाइटिकल फ्यूजन में क्या होता है कि एक अपने पास रेडिकल्स में, दूसरी भी रेडिकल्स में ही प्रेजेंट होगी। दोनों क्या करते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन ब्रेक करवा रहे हैं किसी भी
स्पीसीज के अंदर, तो कंडीशंस अपने को देखनी होगी कि अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस होती है तो हमें होमोलाइटिकल फ्यूज़न करवाना है। अगर नहीं होती है कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस नहीं दी जाती है, यानी कि लाइट से रिलेटेड कोई कंडीशंस नहीं दी जाती है, तो हिट्रोलाइटिकल फ्यूज़न करवाना है। हिट्रोलाइटिकल फ्यूज़न करवाने पर अपने पास ब्रेक होगा, जो अपने पास प्लस और माइनस में ही ब्रेक होता है। तो ये भी किसमें ब्रेक होगा, अगर आपके पास इस तरीके से कोई कंडीशन दी जाती है तो ये भी अपना रेडिकल्स में ही ब्रेक होगा, तो उसे भी रेडिकल में ही ब्रेक करवाना। आपका जो रिएजेंट है, रिएजेंट अगर रेडिकल्स में ब्रेक हो रहा है तो आपका रिएक्टेंट भी आपका रेडिकल में ही ब्रेक होगा। और अगर आपका आपके पास रिएक्टेंट है वो रेडिकल जो रिएजेंट है वो रेडिकल में ब्रेक हो रहा है तो वो भी रेडिकल में ही ब्रेक होगा। और अगर हिट्रोलाइटिकल कंडीशंस में ब्रेक हो रहा है तो वो भी हिट्रोलाइटिकल कंडीशन में ही ब्रेक होगा। तो अपने पास ये कंडीशंस है, इसे ब्रेक करवाना है। ब्रेक करवाना है तो क्या होगा, यहाँ आपके पास जो आएगा CH3, यहाँ प्लस चार्ज आ गया और ये COOH हो गया और ये H हो गया। यहाँ जो H माइनस के रूप में था वो आपके क्या हो, यहाँ आके लगेगा माइनस चार्ज। जो आपके यहाँ प्लस में ब्रेक हुआ था ब्रोमीन, वो आपके यहाँ आके लगेगा, और जो एच माइनस प्लस के रूप में तो वो HBr के साथ क्रिया करेगा। क्रिया करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3CBr और ये COOH, और यहाँ क्या हो गया, वापस से एच आ गया। देखो यहाँ अगर आपके पास कुछ भी नहीं दिया गया है, Br2+फॉस्फोरस दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट तो ज़्यादा ही है, कोई ऐसा तो है नहीं। अगर एक इक्विवेलेंट दिया गया है, वन इक्विवेलेंट दिया गया है, तब तो अपने को क्या करवाना है, यही आके स्टॉप कर देनी है। अगर कुछ भी ना दिया गया हो रिएक्शंस के अंदर, मतलब ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड करेगी, जब तक इसे चलना होगा तब तक ये चलेगी। तो अपने पास जो बनेगा ये CH3 और ये Br और फिर से Br और ये COOH बन जाएगा अपने पास। ओके, तो ये रिएक्शंस में अपने को खुद से आइडिया लगाना होगा कि अगर आपके पास कुछ भी ना दिया गया, केवल कोई भी आपके पास मात्रा नहीं दी गई है, बस आपका रिएजेंट जो नॉर्मल है वैसे ही दिया गया है, तो अपने को वहाँ जब तक एंड नहीं होता उस रिएक्शंस का तब तक करवाना है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, एग्जाम्पल क्या, प्रिपरेशन की रिएक्शंस बताती हूँ COOH की, और कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। अगर अपने पास इस तरीके से कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसी साइक्लिक रिंग में, या अगर साइक्लिक रिंग ना लेकर आप ले लो इस तरह से एल्काइल ग्रुप ले लो, उसकी रिएक्शंस KMnO4 के साथ करवा रहे हैं, KMnO4+H+, यानी कि अपन KMnO4 को एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो जब एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो क्या होगा, अपने पास इसको ब्रेक करवा दो, यहाँ से क्या लगेगा अपने पास OH लगता है। ओके, इस तरीके से होगी। अब अपने पास अगर KMnO4 दिया गया होता तो ये रिएक्शंस यहीं आके स्टॉप हो जाती, बट आपके पास दिया गया क्या है, H+ भी दिया गया है, यानी कि एसिडिक मीडियम दिया गया, एसिडिक मीडियम दिया गया है, तो क्या होगा, वापस ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपने पास क्या होगा, OH ये बनेगा, इसके पास ऑलरेडी H प्रेजेंट है तो ये H प्रेजेंट है। फिर से इसमें ये भी इसी तरीके से ब्रेक होगा, OH और ये H प्रेजेंट है। एक कार्बन पर कभी भी 2H नहीं रह सकते, सबको पता है, जब एक कार्बन पर 2H नहीं रह सकते यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा यहाँ, तो यहाँ जो बनेगा वो है आपके H, यानी कि अब जो बना आपके पास यहाँ CH3 था यही बना, दो मॉलिक्यूल आपके पास ये बन गए। अब ये रिएक्शन फिर भी यहीं आके स्टॉप नहीं होगी, फिर क्या होगा, KMnO4 है सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट है ही है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसी भी रिएक्शन, यानी कि जब तक इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो जाए तब तक रुकता नहीं है। फिर से ये क्या करेगा, आपके CH3
सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट कर देगा दो मॉलिक्यूल सी एस सी सी डब्ल्यू एच के बन जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस में अपने को खुद से आइडिया लगाना होता है कि जो आपके पास जो रिएजेंट दिया गया हो वो कितना रिएक्टिव है, किस तरीके से वर्क करता है और कितनी मात्रा दी गई है। अगर मात्रा नहीं दी गई तो अपने को कंप्लीट जो रिएक्शंस होती है वो ही करवानी होगी। अगर मात्रा दी जाती है तब अपने को वहीं आके स्टॉप करना, अगर वन इक्विवेलेंट दिया गया है तो रिएक्शंस को स्टॉप करना होगा। अगर इक्विवेलेंट यानी कि उसका तो मात्रा नहीं दी गई है तो अपने को स्टॉप नहीं करनी होती है रिएक्शंस को कंप्लीट। जहाँ तक उसका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तब तक अपने को वो रिएक्शंस करवानी रहती है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। ये तो फॉर्मेशन की थी आपकी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एस्टर का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि एस्टर का निर्माण करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस अगर एल्कोहल के साथ करवाई जाती है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 CWH है अपना, अगर इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा दें अपन, एल्कोहल के साथ करवा दें CH2 CH3 करवा दी रिएक्शंस। येल्लो जी वाटर यहाँ से एलिमेंट हो सकता है, वाटर बाहर निकल सकता है। जब वाटर बाहर निकल सकता है तो अपने क्या बनेगा, एस्टर का निर्माण ही होगा। तो ये बन गया अपने एस्टर, यही होता है एस्टर, ये हो गया CH2 CS। ओके, ये अपने एस्टर का निर्माण। तो एस्टर किसे कहा जाता है, अगर कार्बन के साथ डबल और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऐसे कुछ बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे अपन एस्टर कहते हैं। ओके, और एपोक्साइड किसे कहते हैं, अगर कार्बन कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो उससे अटैच हो ऑक्सीजन उसे एपोक्साइड कहते हैं अपन। और ईथर किसे कहते हैं अपन, अगर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे अपन ईथर कहते हैं। यही होता है, इन्हें पहचान सकते हैं अपन इजीली कि ये अपना क्या हो गया, एस्टर का निर्माण हो गया ये लोग एस्टर। और अगर इसी तरीके से अपन क्या करें, नॉर्मल देखें, अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बनाए गए हैं उन्हें ही अपन डेरिवेटिव कहते हैं। उन डेरिवेटिव से कैसे और एस्टर का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि एस्टर के निर्माण में कहीं भी दिया है तो वो भी देख लेते हैं साथ में। अगर आपके पास CONA है, ओके, और यहाँ है आपके CWNA, यानी कि आपके पास सॉल्ट है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है, उस सॉल्ट की रिएक्शंस वापस से अपन क्या करवाएं, एल्कोहल से करवा दें, है ना। अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की रिएक्शंस एल्कोहल से करवाई जाती है तो यहाँ से क्या हो सकता है, NaOH बाहर निकल सकता है। NaOH बाहर निकल सकता है तो क्या होगा, आपके पास वापस से किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण ही होता है, CH2 और ये CH3। ओके, फिर भी एस्टर का निर्माण हो। अगर आपके पास क्या हो, यहाँ अपन क्या लगाए, अगर CH3 CH2 CO और ये CL प्रेजेंट है ना, और इसकी रिएक्शंस करवानी है अपने को, एल्कोहल के साथ ही करवा दें, OH CH2 CH3। ओके, एल्कोहल के साथ ही रिएक्शंस करवा दें तो क्या हो सकता है, यहाँ से HCl बाहर निकल सकता है, HCl बाहर निकलेगा तब भी क्या बनेगा आपके पास, एस्टर का फॉर्मेशन ही होगा। ओके, अब भी अपने पास क्या हो रहा है, एस्टर का निर्माण ही हो रहा है। इस तरीके से अपन एस्टर का निर्माण कर सकते हैं कई विधियों के द्वारा, जितने यानी कि जितने भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उन डेरिवेटिव की रिएक्शन जितने भी जो है कि उनसे अपन एस्टर इजीली निर्माण कर सकते हैं एल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवा के। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शंस अपन देखेंगे।
अगर अपन क्या करें, कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस एल्कीन के साथ करवाएं, कैटलिस्ट के लिए BF3 है ना, तो क्या बनेगा अपने पास, एस्टर का निर्माण ही होता है। जैसे कि एल्कीन के साथ करवा रहे हैं R CH2 CWH + CH2 double bond C CH3 और ये CH3, इसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं। अगर इसे किसकी प्रेजेंस में, BF3 की प्रेजेंस में अगर इन दोनों इनकी रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा आपके पास, अगर बॉन्ड अपने पास किस तरीके से ब्रेक होगा। देखो अपने को बॉन्ड ब्रेक किस तरीके से करना है पहले तो ये देखना होगा। दो कंडीशंस है कि इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। दोनों कंडीशंस अपन यहाँ लिख लेते हैं, इसे ए करें इसे बी मान लें। तो दोनों में क्या होगा अपने पास, CH2 है इसमें माइनस चार्ज आएगा और इस पे इसे ए कर रही हूँ। देखना है कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे पहले। तो ये बनेगा और नेक्स्ट स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखा जाए तो ये थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन 1 2 3 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जबकि ये आपका क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, यही होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट भी ये बनेगा। इंटरमीडिएट किसे बनते हैं कि जो स्टेबल होगा वही इंटरमीडिएट होता है अपना, तो उसी के साथ अपने को देखना है कि इसी को आगे फर्दर रिएक्शंस करवाएं तो ये अपना नहीं बनेगा। अब जो आपका ये ब्रेक होगा ये इंटरमीडिएट हो गया मान लो CH3 और ये ब्रेक होगा तो क्या होगा आपके ब्रेक होने में डबल बॉन्ड OH इस तरीके से होगा, तो ये यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ कॉन्जुगेशन है। ओके कॉन्जुगेशन है तो इस तरीके से ब्रेक करवाएंगे तो ये बनेगा अपना R CH2 CO- ओके और ये H+ जो निकला है वो क्या करेगा, कहाँ आके अटैक करेगा अपने इसके पास करेगा H+ तो, और ये जो माइनस है ऑक्सीजन वाला वो यहाँ आके अटैक करेगा। जब प्रोडक्ट बनेगा अपना तो वो क्या बनेगा CR CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर ये आ गया कार्बन, फिर ये हो गया CH3 CH3 CH3। ओके तो ये भी अपना क्या है, एक एस्टर ही है, एस्टर है तो इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ओके अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और रिएक्शंस।